आज हम सीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? सीजर के। सीजर एक किसका एबनॉर्मलिटी है? ब्रेन की एबनॉर्मलिटी। क्या है? ब्रेन की एबनॉर्मलिटी, जिसके अंदर क्या होता है? रैपिड इनवॉलेंट्री इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं। सीजर के अंदर क्या होता है? रैपिड इनवॉलेंट्री इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रेन के अंदर जनरेट होते हैं, जिस इस चीज को अपन कहते हैं सीजर। आ गया समझ में? दूसरी एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? अगर यही इवेंट बार बार हो, यही इवेंट अगर बार बार हो तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? एपिलेप्सी। मतलब रिपीटेड सीजर। एस जी करके लिखेंगे अपन सीजर को, जहां भी सीजर लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे अपन? एस जी करके। तो रिपीटेड सीजर अगर आ रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एपिलेप्सी। और कन्वल्सन का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंजेस जिसमें मोटार स्पीच सेंसरी और साइकोलॉजिकल, ये जो चेंज होते हैं उस सीजर आने के बाद में, उस समय सीजर। सीजर का मतलब क्या है? रैपिड इनवॉलेंट्री एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का ज्यादा सीक्रेट होना। अगर ये चीजें बार बार होती है एपिलेप्सी कहते हैं। और उसके बाद में, इनके बाद में होता क्या है? जब ये सीजर हुआ, फायर हुआ, तो उसके बाद में होता क्या? उसके बाद में अपन देखते हैं पेशेंट को ताने आती, मतलब जब की मूवमेंट होता है उसके अंदर, बॉडी उसकी टाइट हो जाती है, कभी कभार टंग बाइट हो जाती है, अपन देखते हैं बहुत ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? वो कन्वर्जन कहलाती है। मतलब इवेंट क्या क्या आई है वो चीजें। मोस्टली कौन कौन सी एक्टिविटी देखी जाती है? मोटार स्पीच और सेंसरी साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट होता है उस पेशेंट के अंदर। आगे आ तक समझ में? अब अपन सीजर के कॉजेज के ऊपर चलते हैं। तो सीजर सीजर का जो कोज है अपन विटामिन डी की करके याद रखते हैं। सीजर का कोज किससे याद रखेंगे? विटामिन डी की, जहां बी का मतलब होता है वेस्कुलर इवेंट। बी का मतलब क्या है? वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल। वेस्कुलर मतलब क्या है? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड को लेना और ब्लड को देना। कहीं ना कहीं अगर ब्रेन के अंदर ब्लड को लेने देने में कहीं समस्या आ गई, हेमरेज हो गया, इस चीज में हो गया, वो कंडीशन अगर हो रही है तो वो कंडीशन क्या लीड करवा सकती है? अपने सीजर लीड करवा सकते, जैसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज, एक्यूट इस्टीमिक सिंड्रोम या एनोक्सिक इस्टीमिक सिंड्रोम, एनोक्सिक इस्टीमिक सिंड्रोम। और क्या क्या हो सकता है? अपने को ब्लड वेसल से रिलेटेड याद रखनी है इसमें। किससे चीजें याद रखनी? ब्लड वेसल से रिलेटेड चीजें याद रखनी, क्योंकि वेसल वाला काम था। तो वेसल का और क्या काम हो सकता है? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बीपी क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। कभी कभी क्या होता है, बीपी बढ़ने की वजह से जो पोस्टीरियर लोब है, कौन सी वाली? पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम। बीपी बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलता है अपने को? बीपी की वजह से PRES, प्रेस नाम एक सिंड्रोम होता है, वो देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन के पोस्टीरियर जो लोब है उसके अंदर ब्लड का सीपेज हो जाता है। बहुत ज्यादा जब प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन हो जाता है ब्लड का, तो बाहर की तरफ निकल जाता है आर्टरी से, तो वहां जाके पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। जब पीछे की तरफ इकट्ठा होगा तो क्या देखने को मिलेगा? पेन के विजुअल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, ऑसिपिटल लोब, तो पर्स कहते हैं इसको। दूसरा देखते हैं आई। आई कौन होता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ब्रेन की डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? मेनिनजाइटिस हो सकती है, एनसेफेलाइटिस हो सकती है, और सेरिब्रल एब्सेस या ब्रेन एब्सेस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ये जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस ब्रेन की कवरिंग होती है जो तीन होती है, पाया एरेक्नॉइड और प्यूरामेंट। अगर उनमें से इन्फ्लेमेशन हो जाए तीनों का या एक का, वो कंडीशन क्या कहलाती है? मेनिनजाइटिस। अगर दो का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। शायद तुमको पूछा था मैंने प्रैक्टिकल में,
तुम लोगों में से एक को पूछा कि दो या तीन का अगर इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व एक साथ हो जाए क्या करें, उसको इलेक्ट्रो मैनिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है TT4, क्या होता है? ट्रोमा। ट्रोमा के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? अब पेशेंट को प्रेशर को नहीं है कोई, मालूम नोर पर जा रहा है, नोर पर जाने के बाद में गिर गया, हेड के उसके लग गई, ट्रोमा की वजह से लगी, तो हेड में लग गई तो क्या हो सकता है? हेमेटोमा हो सकता है। हेमेटोमा और हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है कि लगातार ब्लीडिंग हो रही है, और हेमेटोमा का मतलब क्या होता है? हो चुकी है, वो ब्लड बन चुका है। तो क्या हो सकता है अंदर? हेमेटोमा हो सकता है। कौन कौन सा? सब ड्यूरल हेमेटोमा। और कौन सा हो सकता है? सब एरेक्नोइड हेमेटोमा। ये सारी हेमेटोमा ट्रोमा की वजह से देखने को मिल सकती है। एक और क्या होता है? ऑटो इम्यून। अपनी ही इम्यूनिटी क्या करती है? कहीं ना कहीं अपनी ही बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करवा देती है, एब्नॉर्मलिटी करवा देती है। ऑटो इम्यून के अंदर जनरली अपन दो चीजें देखते हैं, जैसे SLE। SLE का मतलब क्या होता है? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिक। इसके अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर सनलाइट की विटामिन डी की कमी से एक कंटेंट का रिलीज होता है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर पड़ी, स्किन के अंदर क्या होता है? सेल है, सेल के अंदर डीएनए, तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है। वो ब्रेकडाउन होने के बाद में न्यूक्लियस वगैरह सारा कुछ बाहर निकलता है, तो उस न्यूक्लियस के अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या बनाती है? उस न्यूक्लियस को बॉडी क्या समझती है? फॉरेन पार्टिकल है, तो अपनी इम्यूनिटी उस न्यूक्लियस के प्रति एंटीबॉडी बना देती है, तो उस समय बनती है एंटी न्यूक्लियस एंटीबॉडी ब्लड के अंदर अपने। दूसरा है अपन देखें ऐसा नहीं हो गया, और पेरा नियो प्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक जगह बॉडी के अंदर कहीं ट्यूमर हुई, वो ट्यूमर के बाद में वो ट्यूमर एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, और वो एंटीबॉडी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लामेशन करवा देती है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है? अपनी ही बॉडी अपनी ही इम्यूनिटी क्या करवा देती है? डैमेज करवाने का काम करवा देती है। ये अगर ब्रेन में चली गई, तो ब्रेन में जाने के बाद में ये दोनों क्या करती है? ये दोनों एनसेफेलाइटिस कोज करवाती है। क्या कोज करवाती है? एनसेफेलाइटिस। कहीं से एनसेफेलाइटिस की वजह से अपन देख रहे थे ना सीजर का। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन एम। एम फोर क्या होता है? मेटाबॉलिक कोजेस। मेटाबॉलिक कोजेस के अंदर क्या देखने को मिलता है? वो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जैसे विटामिन बी। एल्कोहलिज्म पढ़ा है तुम लोगों ने? उसमें कौन से वाले विटामिन की कमी हो जाती है? B1 की, थायमिन की कमी हो जाती है। जब थायमिन की कमी होती है तो विटामिन B1 का काम क्या होता है? विटामिन B1 का काम होता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने का। और ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी देगा। अब जब विटामिन B1 ही नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज ही नहीं है तो ब्रेन में और ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो वहाँ ग्लूकोज मिल पाएगा। तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है ब्रेन में तो सीजर आएंगे या नहीं आएंगे? दूसरा, इसका B1 का और क्या काम होता है? इसका एक और काम होता है कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट करवाने में हेल्प करवाता है, रेगुलेट करवाता है। तो B1 ही नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं होंगे ढंग से, और नहीं होंगे तो वापस से एबनॉर्मलिटी सीजर देखने को मिलेगा। तो एक कंडीशन देखते हैं अपन, ग्लूकोज का लेवल कम। मतलब टर्मिनोलॉजी क्या है ग्लूकोज का लेवल? हाइपोग्लाइसीमिया। अपन ने डायबिटिक मेलाइटिस पढ़ते हैं, जब हाइपोग्लाइसीमिया भी तो पढ़ते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया के क्या साइन है? 2-3 बहुत ज्यादा पसीना और ट्रेमर आते नहीं आते पेशेंट में, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो ग्लूकोज की ही कमी, ये तो ग्लूकोज की कमी करवा रहा, अब खुद ही ग्लूकोज की ही कमी है तो ग्लूकोज का कमी वापस से वही ब्लड ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन में जाने के बाद में वापस से क्या काम करवा? ब्रेन को भी तो कम मिलेगा, जब कम मिलेगा तो फिर से क्या कोज करवा सकता है? सीजर करवा सकता है। इसके अलावा देखते हैं अपन सोडियम आयन का ज्यादा हो जाना। सोडियम नर्व कंडक्शन में हेल्प करवाता है, एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करवाता है। इसके अलावा बाकी कैल्शियम का भी बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाना नॉर्मल से, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कैल्शियम। अपन ड्राउजी और चोवेस्टिक साइन देखते हैं, कैल्शियम की कमी के अंदर देखते हैं, एबनॉर्मल कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन फिर से अपने को एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। फिर देखते हैं अपन रीनल फेलियर। किडनी फेल हो गई तो किडनी फेल हो जाएगी, तो किडनी का काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तुमने देखा होगा B1 हो गया, ग्लूकोज सोडियम कैल्शियम, ये अपन किडनी का देख रहे हैं, रिनल का फंक्शन, तो ये भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ये अगर फेल हो गई तो यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन ये सारी के सारी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा पाएगी क्या?
जब बाहर नहीं जाएगी तो ब्लड के अंदर बढ़ेगी, ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो ब्लड पूरा सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमेगा, वही ब्लड ब्रेन में जाएगा और वही ब्रेन के अंदर क्या काम करवाएगा, ब्रेन का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर एस्ट्रोसाइट बनाता है, कौन बनाता है, एस्ट्रोसाइट, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा, तो एस्ट्रोसाइट को डैमेज करवाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर तक चला जाएगा न्यूरॉन तक, और न्यूरॉन में एब्नॉर्मलिटी करवा देगा, फिर से सीजर होने के चांसेस रहते हैं। फिर अपन देखें लीवर, लीवर अगर फेल हो गया, डैमेज किडनी, डैमेज लीवर, लीवर अगर फेल हो गया तो लीवर का काम भी क्या है, मेटाबॉलिज्म करने का काम है, लीवर की बहुत सारी प्रोटीन रिलीज करवाने का काम है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम, फिर लीवर सही नहीं है तो बिलीरुबिन का वो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड वाला काम हो पाएगा क्या, नहीं होगा, तो अनकॉन्जुगेटेड वाला बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब अनकॉन्जुगेटेड वाला बढ़ेगा तो ब्लड में ही तो बढ़ेगा, तो ब्लड में बढ़ के वो सर्कुलेशन से होकर पूरी बॉडी में घूमेगा, ब्रेन में अगर चला गया 15 mg/dl से अगर ज्यादा हो जाता है क्या चीज, बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 15 mg/dl से अगर ज्यादा हो गया तो ब्रेन में ये ब्रेन को इस लेयर को क्रॉस करवा जाएगा, और क्रॉस करवाने के बाद में क्या काम करवा देगा, वहां पे एनसेफेलाइटिस करवा देगा, उसको कर्निक टर्स कहते हैं अपन, क्या चीज कहते हैं उसको, कर्निक टर्स, तो फिर से ये ब्रेन की एब्नॉर्मलिटी क्रॉस करवाएगा। इसके बाद में देखते हैं अपन ये क्या है, ये थायराइड है, कौन सी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, अगर थायराइड ने बहुत ज्यादा काम कर दिया, हाइपर थायराइडिज्म हो गया, मतलब T3 T4 का लेवल ज्यादा हो गया, तो ये भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है, तो ये हार्ट रेट बढ़वा देगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़वा देगा, एबनॉर्मलिटी कॉज करवाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने से अपन से ये रेस कंडीशन देख रहे थे कि देख रहे थे, फिर से अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेस वाली कंडीशन पीछे की तरफ, जैसे ही सीजर कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट अपन देखें, हो गया कौन सा, इतने हो गए, ठीक है, अब देखते हैं अपन आई, आई फोर आइडियोपैथिक, कोई कारण पता नहीं चल रहा, एग्जैक्ट कोई कारण अपने को पता नहीं चल पा रहा। इसके बाद में क्या था, एन अपन इनको थोड़ा साइड में, एन का मतलब क्या है, नियोप्लेसिया या नियोप्लास्ट, मतलब कैंसरस वाली कंडीशन, क्या पता लंग्स का हुआ था, वहां से ट्रेवल करवा के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके मेटास्टेसिस, दो कंडीशन देखते हैं ना अपन कैंसर की, मेटास्टेसिस वाला बिनाइन और मेलिग्नेंट, तो बिनाइन वाला क्या होता है, और मेलिग्नेंट का मूवमेंट करता रहता है, मेलिग्नेंट वाला हो गया कहीं दूसरी जगह था, वो ब्रेन में चला गया, फिर से ब्रेन में क्या करवा सकता है, सीजर करवा सकता है। यहाँ पे देखते हैं डी, डी से देखते हैं अपन दो तीन चीजें, जैसे रीजनरेशन डिसऑर्डर, ब्रेन में रीजनरेशन डिसऑर्डर देखते हैं, और उस रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, टूटना, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन, तो रीजनरेशन डिजीज जैसे अपन देखें कौन सी है, वो डिजीज अल्जाइमर डिजीज, सिनाइल डेमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, जैसे पार्किंसन डिजीज इंपोर्टेंट, पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसके लेवल के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है, और उसके लेवल के अंदर एबनॉर्मलिटी में भी क्या हो जाता है, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन की कमी हो जाती है। अब डोपामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन को बनाता कौन है, ये बनाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया का पार्ट, सब्सटेंशिया नाइग्रा किसका पार्ट है, बेसल गैंग्लिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा की दो लेयर होती है, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलेटा,
इसमें भी जो पास कॉम्पैक्टा होती है, सब्सटेंशिया नाइग्रा की जो पास कॉम्पैक्टा होती है, ये लेयर का डीजनरेशन हो जाता है। इस मेम्ब्रेन का क्या होता है, डीजनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन के अंदर कमी आ जाती है। एक डी से ये देखा, एक डी से अपन देखते हैं डीमाइलिनेशन डिजीज। डीमाइलिनेशन डिजीज का मतलब क्या होता है, जो माइलिन शीथ है वो माइलिन शीथ ब्रेक डाउन हो चुकी है, वहां पे है ही नहीं। कौन कौन सी डिजीज थी डीमाइलिनेशन वाली, बताओ देखें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ब्लैक बेरी सिंड्रोम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके जो माइलिन होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जीबीएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो माइलिन होते हैं वो डैमेज होते हैं, डीमाइलिनेशन। उसके बाद में देखते हैं ई, ई से देखते हैं अपन एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया क्या है, प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर बीपी का बढ़ना और उसके साथ में सीजर आना, तो वो कंडीशन है। तो एक्लेम्शिया की कंडीशन में भी तो सीजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो वापिस से इस कंडीशन में भी सीजर देखने को मिलता। ई फोर अपन देखते हैं एलिवेशन इन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 103 104 डिग्री की अप्रोक्सीमेटली बढ़ गया, उस समय फिब्राइल सीजर आते हैं। कौन से सीजर आते हैं, फिब्राइल, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होता है, फिब्राइल कंडीशन। जैसे मलेरिया के अंदर पूरी बॉडी के अंदर शिवरिंग होती है, तो वैसे इसके अंदर शिवरिंग होती है। एक ई से अपन देखते हैं टेम्परेचर एलिवेशन इन स्ट्रेस, बहुत ज्यादा दुखी है, दुखी होने की वजह से भी ताने आ जाती, कभी कभी सीजर्स आ जाते। जैसे एग्जाम्पल बताओ, वहीं का वहीं रह जाता आदमी, फोन किया रहा उसकी शादी हो गई, और वो लिमर से बात कर रही थी वो कल तक, तो आज शादी हो गई, 3 दिन हो गए, वहीं का वहीं रह गया ऑपरेशन, उसको सीजर आ जाएंगे, गिर जाएगा खड़ा खड़ा, चक्कर आ जाएंगे उस कंडीशन में, तो किसकी वजह से हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कुछ कॉजेज थे सीजर के, आज क्या समझ में। विटामिन डी ई से अपने को याद रखना है, बी फोर वैस्कुलर इवेंट, आई फोर इन्फ्लेमेशन, टी फोर ट्रॉमा, ए फोर ऑटोइम्यून, मेटाबॉलिक इडियोपैथिक, बी फोर डीजनरेशन और डीजनरेशन डिजीज, और ई फोर इन्फ्लेमेशन। आगे यहाँ तक समझ लो, लास्ट क्लास में अपन ने सीजर के बारे में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन सीजर का, जिसके अंदर अपन ने सीजर देखा था, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे थे। दूसरी टर्मिनोलॉजी अपन ने क्या देखी थी, तो रिकरेंट अगर सीजर वाली इवेंट हो रही है तो एपिलेप्सी कहते हैं। और तीसरी टर्मिनोलॉजी अपन ने क्या देखी थी, कन्वर्जन का मतलब क्या था, जो सीजर और एपिलेप्सी आने के बाद बॉडी के अंदर मोटर एक्टिविटी में, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी में, और उसकी फंक्शनिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, कन्वर्जन कहलाते हैं। फिट सीजर को कहते हैं, और फिट सिंगल, और फिट क्या होता है, प्लूरल, बहुवचन, तेरा बहुवचन समझते हैं। आज अपन डिस्कस, उसके बाद में क्या अपन ने डिस्कशन किया था, कॉजेस क्या थे, विटामिन डी। अब आज अपन चलते हैं सीजर की पैथोफिजियोलॉजी पर, कि कैसे पैथोफिजियोलॉजी होती है सीजर की, कैसे सीजर के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होगी। तो उसको जानने से पहले सबसे अपन क्या, पहले क्या देखिए अपन, सबसे पहले अपन मार्कर चेंज करते हैं, क्योंकि ये चल नहीं रहा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो काम कैसे करते हैं, कैसे काम करने के बाद में वो ब्रेन अपनी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू नर्व के बाद में मसल्स के ऊपर जाकर मसल के ऊपर कैसे एक्टिवेट करवाता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर इंपल्स ट्रांसमिट करने का काम करवाते हैं, कुछ केमिकल मीडिएट्स की वजह से। कौन कौन से हैं जनरली, एक तो होता है एक्साइटेटरी, के बारे में अपन देखते हैं ग्लूटामेट, क्या देखते हैं अपन एक्साइटेटरी, तो ये नॉर्मल कैसे काम करवाता है, पहले अपन नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल ग्लूटामेट जब रिलीज होता है यहाँ से, जब रिलीज होने के बाद में दूसरी नर्व के पार जाता है, वो सिनेप्स स्पेस के बीच में से होता, तो जब यहाँ जाता है तो ग्लूटामेट के लिए स्पेशल टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर को क्या नाम देते हैं,
NMDA रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर है ग्लूटामेट के लिए? NMDA रिसेप्टर होता है। तो ये ग्लूटामेट क्या करता है, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके ऊपर बाइंड किसके थ्रू होंगे, NMDA रिसेप्टर की वजह से। और ये रिसेप्टर का काम क्या होता है, इन रिसेप्टर का काम होता है आयंस का एक्सचेंज करवाने का। ग्लूटामेट कौन सा वाला है, मतलब कहीं ना कहीं डीपोलराइजेशन करवाएगा, और डीपोलराइजेशन के लिए अपने सोडियम और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती। तो ये क्या काम करवाता है, वहां पे जाके सोडियम और कैल्शियम को इन्फ्लक्स करवाता है। जब इन्फ्लक्स करवाएगा तो फिर ये वापस से डीपोलराइजेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो ये क्या काम करवाता है, वापिस से डीपोलराइजेशन का काम करवाता है। ये नॉर्मल ग्लूटामेट का काम है। गाबा क्या काम करता है नॉर्मली, जब गाबा कौन सा है, इनहिबिटरी। गाबा कौन सा वाला है, इनहिबिटरी वाला। जब जब गाबा रिलीज होगा तो गाबा रिलीज होने के बाद में गाबा के अलग टाइप के रिसेप्टर पे गाबा बाइंड होता है। इनको यहाँ पे जो रिसेप्टर है उनको कहते हैं गाबा रिसेप्टर। जैसे ये NMDA रिसेप्टर था ग्लूटामेट के लिए पर्टिकुलर बंधेगा, वैसे ही गाबा भी अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर बनता है और बनने के बाद में क्या करवाता है, एक्टिविटी करवाता है। गाबा कौन सा है, इनहिबिटरी। जब इनहिबिटरी है तो अंदर आयन का इन्फ्लक्स नेगेटिव आयन का होगा या पॉजिटिव का होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाबा के लिए कौन सा वाला आयन होता है इनहिबिटरी, क्लोराइड आयन। तो इस चैनल के थ्रू क्या होता है, क्लोराइड आयन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में क्या काम करवाता है, डीपोलराइजेशन। जब ये करवा रहा था तो ये क्या करवाएगा, डीपोलराइजेशन करवाएगा, मतलब सेल की एक्टिविटी को कम करवाएगा, न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करवाएगा। ये नॉर्मल था। अब अपन देखते हैं सीजर की कंडीशन में, सीजर की कंडीशन में क्या होता है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इनहिबिटरी वाले का क्या होता है, लेवल डिक्रीज। अब सोचो अपन ने देखा है कि जब इसका नॉर्मल लेवल था, ये एक्साइटमेंट करवा रहा था, एक्साइटेटरी एक्टिविटी करवा रहा था, जब इसका बहुत ज्यादा लेवल बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करवाएगा या नहीं करवाएगा, रैपिडली एक्टिविटी करवाएगा। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी करवाता है तो ये डीपोलराइजेशन करवाता है, और डीपोलराइजेशन जब होगा तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आयंस का एक्सचेंज होना, इलेक्ट्रिकल आयंस का क्या होना, एक्सचेंज वन सेल टू अनदर सेल के अंदर। अब बहुत ज्यादा ये काम करवाएगा। दूसरा क्या था अपना, दूसरा वाला जो भी गाबा वाला था अपन ने देखा है डिक्रीज हो जाएगा। जब गाबा डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे या बंद हो जाएंगे, ये वाला चैनल बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो क्लोराइड अंदर जाएंगे क्या, जब क्लोराइड अंदर नहीं जाएंगे तो वापस से सेल डीपोलराइजेशन होगी, तो रीपोलराइजेशन होगी क्या, नहीं होगी। जब रीपोलराइजेशन नहीं होती है और डीपोलराइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है तो यही अपने किस कंडीशन को लीड करवाता है, कन्वर्जन को लीड करवाता है। यही बॉडी के अंदर एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री रैपिड जर्की मूवमेंट करवाता है, या बॉडी की स्टिफनेस पोज करवा देता है, या बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करवा देता है। आ गया समझ में, ये इसकी पैथोफिक। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। भाई इनहिबिटरी जाएगा गाबा तो डीपोलराइज, और जब गाबा नहीं जाएगा तो सेल क्या हो जाती है, गाबा के अगर नहीं होगा डिसफंक्शनल हो जाएगा तो सेल हो जाएगी हाइपर पोलराइज। सेल का क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल बिल्कुल काम नहीं करता। आगे समझ में, मतलब क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। आगे आ तक समझ में,